अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही यमी सा केक बनाने वाली हूं, जो कि बहुत ही बनाना इजी है, लेकिन देख के तो आपको लग रहा होगा इतनी मज़ेदार यमी केक इतनी आसानी से कैसे बन सकती है। हाँ, बन सकती है बिना ओवन, वो भी बिना कोई भी मोल्ड के आप आराम से इसे बना सकते हैं। ये बच्चों से बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाला है, और अगर आप किसी को भी गेस्ट को ये करेंगे कोई कहेगा नहीं कि आपने इसे बिना ओवन और बिना मोल्ड के ही इतनी मज़ेदार रोल केक बनाई है, जैसा लगेगा कि आपने इसे बाहर से बेकरी से मंगाया हुआ है। तो चलिए, अगर चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह के सारे मज़ेदार रेसिपी आप सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को एंड तक देखें, रेसिपी को फॉलो करें। अगर मेरी वीडियो और रेसिपी दोनों पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दें, और लाइक तो ज़रूर 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 कर दें। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप दूध। दूध जो है मैंने इसको बॉईल कर लिया और रूम टेम्परेचर में इसको हल्का सा ठंडा कर लिया, यानी कि ये हल्का गर्म है, वार्म मिल्क है ये। तो अब इसी में मैं डाल दूंगी हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल, इसकी जगह आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। और अब साथ में डाल देंगे हाफ कप पाउडर शुगर, और इन तीनों चीजों को हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, ताकि इसका जो टेक्सचर है एकदम क्रीमी टाइप्स आ जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी, अच्छी तरह से हमें इसको फेंटना है। तो अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब इसका कलर देख सकते हैं एकदम से क्रीमी के जैसे, क्रीम के जैसे दिख रहा है। तो अब हमें इसे साइड में रख देंगे और एक छन्नी लेंगे, और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट हम इसमें छान लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, और मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है, और साथ ही डालेंगे 1/4 कप कोकोआ पाउडर, और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसमें डालूंगी 1/5 सॉल्ट। तो सारी चीजों को छान लेंगे और अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो हमारा बैटर बन के रेडी है। तो चलिए, अब हम इसे बेक करने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है, और गैस का फ्लेम जो है मैंने हाई पे रखा है, और इसके अंदर एक स्टैंड रख लेंगे, क्योंकि हमें कुकर को प्री हीट करना है। तो आप बिना जो है ओवन के आप इसे कुकर में आराम से बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद हमें कुकर का जो है लीड बंद कर लेना है, लेकिन हमें इसका जो है ऊपर का विसिल निकालना है, और उसके बाद अंदर का जो ब्लैक कलर का रिंग आता है उसे भी निकाल लेना है। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, और हम इसे 5 मिनट तक प्री हीट होने देंगे। जब तक कि हमारा कुकर प्री हीट हो रहा है, तो हम अपना बैटर सारे डाल के तैयार कर लेंगे, वो भी ग्लास पे। तो मैंने यहाँ पे स्टील का ग्लास मैंने यहाँ पे ले लिया है, इस तरह का 4 ग्लास ले लिया है। आपके पास जैसा भी ग्लास है आप उसे ले सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है ना, इस तरह का जो केक मोल्ड आता है, यानी कि केक टीन, उसको ले लेना है। आप उसके अंदर आपको देखना है आपका ग्लास कितना रहता है। तो आप देख सकते हैं 4 ग्लास मेरा आ जा रहा है, तो मैंने पूरा 4 ग्लास रख दिया है। और अगर आपके पास केक मोल्ड या फिर केक टीन नहीं है, तो आप कोई भी स्टील का प्लेट या फिर एल्यूमिनियम की जो प्लेट रहती है थोड़ा थिक वाली, उसे लेके आप उसके ऊपर ग्लास रख के कुकर के अंदर स्टैंड में रख सकते हैं। तो हमें ग्लास को करना क्या है, तो यहाँ पे मैंने जो है ग्लास के तली के साइज का जो है 4 इस तरह का बटर पेपर कट कर लिया है, और सभी ग्लासेस में हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे, और इसे ऑयल से है बटर से आप किसी से भी ग्रीस कर लें। तो चलिए, मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से आपको ग्लास के अंदर और साइड पे हर जगह आपको इस तरह से ग्रीस कर लेना है, इस तरह से।
तो चारों ग्लास को हम इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो अब जो है चारों ग्लास में जो हमने बैटर बना के रखा था उसे फिल कर लेंगे। पूरा ऊपर तक हमें नहीं भरना है, क्योंकि जब केक फूलने लगेगा तो वो ग्लास के ऊपर तक आ जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हमें इसमें स्पेस छोड़ कर देना है ताकि केक को फूलने में आसानी हो। तो इसी तरह से मैं भर लूँगी, आपको दिखाती हूँ भर के। तो अब थोड़ा ग्लास को टैप कर देंगे इस तरह से, और मैंने तीन ग्लास में ही भरा है क्योंकि मेरा बैटर ख़त्म हो गया। तो हमारा कुकर जो है प्री हीट होकर रेडी है। तो अब जो है मैं इसमें ये अपना स्टीम डाल दूंगी और इसको सेंटर में रख लेंगे। गैस का फ्लेम उसके बाद हमें स्लो में कर लेना है, उसके बाद ये ग्लासेस हमें भर लेना है। अब फिर से हमें कुकर का लीड जो है इसी तरह से बंद करना है, पूरा बंद हमें नहीं करना है, ऐसे ही बस आपको रख देना है। उसके बाद जो है गैस का फ्लेम तो हमने स्लो कर लिया है, अभी हमें 40 मिनट्स तक इसे बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। 40 मिनट्स के बाद ही हम इसे खोल के चेक करेंगे हमारा केक जो है बेक हुआ है या नहीं। तो 40 मिनट्स हो गए हैं हमें इसे बेक करते हुए, तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छा सा फूल गया है। तो अब इसको सेंटर से हम एक टूथपिक के हेल्प से चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम क्लीन निकल आया है, इसका मतलब हमारा केक जो है बेक हो चुका है। तो अब गैस को हम कर देंगे ऑफ और इस केक को एकदम से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। तो केक एकदम से ठंडा हो गया था, उसके बाद ही मैंने इसे कुकर से निकाला है। तो अब इसको हम इस तरह से साइड से कॉर्नर हटा लेंगे एक नाइफ से। तो अब मैं एक प्लेट ले लूंगी और इसको फटाफट से हम पलट देंगे। तो अब ग्लास को हटा लेंगे, आप देख सकते हैं कितना यम्मी केक जो हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसका जो हमने बटर पेपर लगाया था वो भी निकाल लेंगे। अभी भी थोड़ा नीचे का ये गर्म है इसीलिए ये निकल नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ इसको। तो मैंने जो है बटर पेपर निकाल लिया है, तो अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से राउंड राउंड शेप में। आप देख सकते हैं इस तरह से हम कट करना है हमें। तो इस तरह से हम प्लेट में रख देंगे केक को और ऊपर से थोड़ा गार्निश कर लेते हैं चॉकलेट सिरप के साथ में। अब मैं ऊपर से थोड़ा एकदम कटा हुआ छोटा छोटा काट के मैंने यहाँ पे काजू रखा था उसे डाल दिया है। आप इसकी जगह चोको चिप्स का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स यानी कि जैसे कि एलमंड या अखरोट आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी यमी केक, इसे जो बनाना है बहुत ही आसान, और इसे बहुत ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये पसंद आता है। और आपने तो देखा है कि ये बिना ओवन के ही हमने इसको बनाया है, और अगर आप आपके गेस्ट को ये सर्व करेंगे तो कोई देख के बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसको बिना मोल्ड के ग्लास पे ही बना के तैयार किया है। तो जाइए जल्दी से फटाफट ये यम्मी सा मज़ेदार सा केक बनाइए चॉकलेट केक, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी एकदम इजी मेथड के साथ कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी एक नए और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।